कमीशन सादर नमन करता है। थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है उन्हें उन्हें क्षमा याचना करते हुए बताता है, बता रहा है साहब आप लोगों को मानना होगा, आप लोगों को जानना होगा, यह हड़ताल का जनक कोई और नहीं, प्रदेश में बैठी हुई भाजपा सरकार है, प्रदेश में बैठा हुआ झूठा हमारा मुखिया डॉक्टर रमन सिंह है। 2003 में 2008 के घोषणा पत्र में इन्होंने 2003 और 2008 में संविधान की बात कहे थे, झूठे घोषणा पत्र संकल्प पत्र द्वारा सत्ता प्राप्त किए, लेकिन अब तीसरा कार्यकाल हो गया, न हमें पदोन्नति मिला, न क्रमोन्नति मिला, न समय पर हमें वेतन मिलता है। साथियों में नगर के वासियों को बताना चाहूंगा, हम बच्चे की भविष्य के लिए कभी हड़ताल करना नहीं चाहते, 4 साल से लगातार वार्ता करते आए, क्या 5 साल से आए हैं, लेकिन ये जो प्रदेश की जो सरकार है गुंडी और बाहरी हो गई है, इन्हें आम नागरिक का कोई मतलब नहीं है, हम अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। साथियों हम हड़ताल करना नहीं चाहते, अरे अगर हम काट रहे थे तो क्यों हमारे मंच पर आए और संकल्प पत्र में क्यों बोले कि प्रति वर्ष हम 20% संविलियन करेंगे, ऐसे झूठे और निकम्मा लोगों के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारा एक ही मांग, शिक्षा विभाग में संविलियन, अरे भीख नहीं अधिकार चाहिए, इज्जत का सम्मान चाहिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, इज्जत का सम्मान चाहिए, संविलियन हम लेकर आएंगे, अरे संविलियन हम लेकर आएंगे, तख्त बदल लेंगे, ताज बदल लेंगे, मेहमानों का राज बदल देंगे, तख्त ताज बदल लेंगे, मेहमानों का राज बदल देंगे। आवाज दो हमारी अत्या जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी अत्या जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजेश भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों आवाज, साथियों प्रदेश के सारे कर्मचारियों को सातवां वेतन मान दिया जा रहा है, क्या हमारा परिवार नहीं है, देखिए कैसे भेदभाव होता है, महंगाई भत्ता सारे कर्मचारियों को दे दिया जाता है लेकिन शिक्षा कर्मियों को नहीं दिया जाता। हकीकत आप जानेंगे सरकार का, हमारा लगातार शासन भाजपा शासन लगातार मानसिक आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही है, ऐसे सरकार हमें नोटिस देती है, 3 दिवस में आप कार्य पर लौटे, बर्खास्त कर देंगे। अरे मैं बोलता हूँ आप 3रा दिन पूरा हो गया, तो मैं आज बर्खास्त कर दो, अगर संविलियन तुम नहीं दिए, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता और शिक्षा कर्मी तुम्हें बर्खास्त कर देंगे, तब समझ में आएगा। शोषण नीति बंद करो, शोषण नीति बंद करो, समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन, और भीख नहीं अधिकार चाहिए, इज्जत का सम्मान चाहिए, नौकरी भत्ता दिया जाता है हम कहाँ रहेंगे, न चिकित्सा भत्ता दिया जाता है सरकार की नजरों में, कोई चिकित्सा का भी बीमार नहीं पड़ता, हमारा कोई परिवार नहीं है, संवेदनशील मुख्यमंत्री की शिक्षा का विषय निंदा करता है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 बोल दो